अगर आपको अपने पैरों में बहुत ज्यादा नसें दिखती हैं, बहुत ज्यादा नीली नसें दिख रही हैं, खून जमा हुआ दिख रहा है, घुटनों के पास दर्द बहुत ज्यादा है या ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहने से दिक्कत होती है, तो ये हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेरिकोज वेन होता क्यों है, कैसे आप पहचानेंगे उसको कि ये वेरिकोज वेन है, और क्या आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि आयुर्वेद से इसको आप कंप्लीटली ठीक कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन बहुत एक कॉमन सी बीमारी है, ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है और उन फीमेल्स में देखी जाती है जो थोड़ी सी ओबीज होती हैं या जो थोड़ा सा ओवरवेट होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो हमारे खून का दौरा होता है, खून का जो सर्कुलेशन होता है, जब वीक पड़ने लगता है, हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक पड़ने लगता है, तब जाके वेरिकोज वेन बनता है। हमारा खून जब नीचे जाता है शरीर में, नीचे से जब ऊपर आना स्टार्ट करता है, जब प्रॉपरली उसका फ्लो नहीं रहता, तो वहाँ पे जितनी वेन्स होती है वो टॉर्चुअस होने लगती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे खून जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जो तो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है उसमें खून इकट्ठा रहने लगता है, जिसकी वजह से वो नीली दिखती है। कई बार ये लंबे टाइम तक होने की वजह से इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये नीली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार ये एक्जिमा भी बन जाती है। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और रेड हो जाता है ज़्यादा, तो ये कंडीशन आती है, ये वेरिकोज वेन के चांसेस हो सकते हैं। कई बार ये बहुत छोटे से एक आपको पैच दिखेगा, एक छोटा डॉट दिखेगा, और उसके आसपास छोटी छोटी नसें दिखेंगी जिसको दबाने से उससे खून चला जाता है, इसको हम स्पाइडर नेवाई कहते हैं। ये भी एक तरीके का वेरिकोज वेन ही है, उसी का एक छोटा वर्जन है, बट ये पेनफुल ज़्यादा होता है। अगर ये पूरे पैर में आपके बन रहा है तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके शरीर में जो खून का फ्लो है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, आपके शरीर में कमजोरी आ रही है। हो सकता है कई बार ये विटामिन D3 B12 की कमी से भी होता है, पर अगर हम आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद में ये वात और रक्त दोनों की दृष्टि से होता है। जब दोनों में या तो खून आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगे या वात आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तब उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम बनती है। अब आपको करना क्या है, जब आपको पता है कि वात की वजह से है तो वात बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे वात बढ़ता है, आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। खाना बहुत ठंडा करके खाते हैं, या आप बासी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप मटर गोभी बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नेचर में बहुत ड्राई हो। अगर आप, कई फीमेल्स ऐसी हैं जो वेट लॉस के लिए डेली वर्मीसिली खाती हैं, ओट्स खाती हैं, उपमा खाती हैं, पोहा खाते हैं, तो ये भी डेली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई नेचर के होते हैं, रूक्ष होते हैं, ये बहुत सूखे होते हैं, जो वात को बढ़ाते हैं, आपके शरीर में रूक्षता को लाते हैं, जिससे वात बढ़ता है, इससे खून का जो फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, वो भी वीक पड़ता है। तो अगर आप ये डेली करते हैं तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब आयुर्वेद में इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये बताया गया है कि पहले तो आपने जो चीज़ें आप खा रहे हैं आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे वात बढ़ता है। मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में वात बढ़ने के कारण बताए हैं, कई सारी चीज़ें बताई हैं जो कि वात को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिंपल यहाँ क्या करना है कि वात को बैलेंस करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि आपको तेल से थोड़ी सी मालिश करनी है। वेरिकोज वेन में बहुत तेज़ प्रेशर से मालिश नहीं करनी चाहिए, आप तिल का तेल या सेंधावाती तेल या तिल के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको गर्म कर ले अच्छे से, और उसको पैर पे मसाज करें, ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथ से उसको मसाज करनी चाहिए। तो इससे धीरे धीरे वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, दर्द कम होना स्टार्ट होता है। ध्यान ये रखना है कि अपने वेट को मैनेज रखें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो खाना भी उसी हिसाब से कंट्रोल करें, थोड़ी सी वॉक कंटिन्यूटी में रखें। अगर आप वॉक बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो लेट कर ही आप थोड़ी सी मैट एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये डेली प्रैक्टिस करें, इससे भी आपका वात भी बैलेंस होगा, थोड़ा सा वेट भी कंट्रोल में रहेगा। वात को और बैलेंस कैसे कर सकते हैं, डेली सुबह उठ के थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल लेना है, नारियल का तेल या तिल का तेल लेना है, उसको मुंह में रखकर थोड़ी देर उससे मुंह के अंदर रखना है, हल्का गर्म रखना है, उसके बाद उसको थूकना है। ये आप डेली प्रैक्टिस करें, दिन में 2 से 3 बार करें। पूरे शरीर की अगर मसाज कर सकते हैं तो पूरे शरीर की तिल के तेल के साथ मसाज करें, नहाने से पहले डेली इसको करें तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए। रात को कभी भी दाल चावल ठंडी चीज़ें ये चीज़ें ना लें, वरना वो वात को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आयुर्वेद और पंचकर्म में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, जहाँ जमा हुआ है उसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको कहते हैं सिरावेद। वहाँ पे जो सिराएं होती, छोटी सिराएं होती, छोटी वेन्स होती, उसमें से ब्लड को निकाला जाता है ताकि एकदम से वहाँ से प्रेशर रिलीव होता है
और पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके अलावा एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं लीच। लीच जो जोंक होती है, जलोका होती है, वो आप किसी भी अपने आयुर्वेदा सेंटर में जाके अगर कराएं तो उसको प्रॉपरली करा सकते हैं। उससे भी ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। कटिबस्ती एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसमें लोअर पोर्शन की, लोअर बैक से इसको कंप्लीटली ठीक किया जाता है, जहाँ पे इसमें मसाज होती है, स्टीम होती है, और इसमें पोटली करके इसको बैलेंस किया जाता है। अच्छा ये है कि ब्लड फ्लो को बैलेंस करना, वात को कंट्रोल करना, यही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से ये बीमारी हो रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपना इलाज करा सकते हैं और आयुर्वेद की मदद से आप अपने आप को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात करके अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना के आप बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी बात से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है या बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल रहे, वो कुछ चीज़ें इसमें से कर सके, अपने शरीर को समझ सके, अपनी बीमारी को समझ सके और अपने स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को अपना सके। थैंक यू।